हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं फिर से एक नए वीडियो के साथ आपके सामने आई हूँ। मेरा ये जो आज का वीडियो है ना, ये हर एक हाउसवाइफ के लिए बहुत ही यूज़फुल होगा। हमारे घर पे, सबके घर पे तो कोलगेट का टूथपेस्ट तो होता ही है, छोटा सा पाउडर नहीं तो पेस्ट होता ही है। तो उस कोलगेट के टूथपेस्ट से हम लोग कैसे, हम लोग क्लीनिंग जो हम लोग का थिंग्स है, डेली थिंग्स है, हम लोग कैसे वो क्लीन कर सकते हैं वो मैं बताऊँगी। कोलगेट टूथपेस्ट सिर्फ दांत क्लीन करने के लिए नहीं, और भी चीज़ में उसका उपयोग होता है। तो मैं आज के वीडियो में आपको वही थोड़ा सा टिप्स आपसे शेयर करूँगी फ्रेंड्स, तो आप भी ट्राई कीजिएगा और आपको पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। ओके फ्रेंड्स, चलो देखते हैं कोलगेट का हम लोग क्या क्या यूज़ कर सकते हैं क्लीनिंग प्रोसेस में। ओके फ्रेंड्स, वाइट शूज़ तो होता है, जेंट्स या लेडीज़ दोनों का भी वाइट शूज़ रहता है, तो वाइट शूज़ जल्दी ही मैला होता है, तो कितने भी धोएंगे तो भी वो शू क्लीन नहीं होता। अगर आप कोलगेट यूज़ करके वो शू क्लीन करेंगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। आप खुद ही देखिए, यहाँ पे देखो कितना अच्छा बाद में शाइनिंग होता है शूज़। देखो फिर बाद में उसे गीले कपड़े से थोड़े पोंछ लेना चाहिए। देखिए हमारे घर पे इलेक्ट्रॉनिक प्लग तो रहता है, तो प्लग को भी हम लोग ऐसे ही पेस्ट से क्लीन कर सकते हैं। देखिए, पर इलेक्ट्रॉनिक आइटम पे कभी भी फ्रेंड्स पानी मत डालिएगा, ऐसे पेस्ट लेके थोड़ा सा कपड़े में पोंछिएगा। देखो मैंने यहाँ पे आयरन भी ऐसे ही किया है, पेस्ट डाला है, ब्रश से थोड़ा रब किया, फिर कपड़े से थोड़ा मैंने पोंछा है। पानी बिल्कुल मत यूज़ कीजिएगा फ्रेंड्स इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स पे, याद। इसी तरह से अभी मैंने यहाँ पे स्पेक्स लिया है, वो स्पेक्स को भी हम लोग थोड़ा कोलगेट डाल के थोड़ा क्लीन करेंगे। ऐसे करने से थोड़ा पानी का हार्ड डालिएगा थोड़ा और क्लीन कीजिएगा। ऐसे करके देखिए आपका स्पेक्स भी कितना चमकेगा, क्लियरिटी बहुत अच्छी आएगी। देखिए इसी तरह से सनग्लासेस भी हम लोग ऐसे क्लीन करेंगे फ्रेंड्स। थोड़ा सा पानी लीजिएगा, कोलगेट डालिएगा और क्लीन कीजिएगा। हमें हमारा टाइल्स क्लीन करना रहेगा तो भी तभी भी हम लोग कोलगेट लेकर थोड़े क्लीन कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने थोड़ा टूथब्रश का यूज इस्तेमाल किया है कि गैप गैप का थोड़ा मैला चला जाए। इसी तरह से स्क्रॉच ब्राइट लेकर भी आप कर सकते हैं। देखिए कितना क्लीन होता है। नल के साथ भी हम लोग ऐसे ही कर सकते हैं, कोलगेट लेकर थोड़ा साफ कीजिएगा, हार्ड वाटर का स्ट्रेन सब उसमें चला जाएगा। अच्छे से रगड़िएगा पेस्ट को, स्क्रॉच ब्राइट से भी आप कर सकते हैं, उसे वॉश कर सकते हैं। फिर बाद में अच्छे से रगड़ने के बाद पानी से उसे वॉश कीजिएगा। देखिए नल कितना अच्छे से चमक रहा है। गोल्ड और सिल्वर कौन सा भी ऑर्नामेंट्स आपको क्लीन करने का होगा तो आप कोलगेट यूज करके फ्रेंड्स उसे क्लीन कर सकते हैं, चमक आ जाएगी सोने और चांदी में। देखिए अगर आपके हाथ में गरम तेल कुछ उड़ा हुआ तो तभी के तभी हम लोग कोलगेट लगाएंगे तो दाग नहीं आएगा, जला हुआ दाग नहीं आएगा और ठंडा भी महसूस होगा। देखिए कांच का बाउल क्लीन करने के लिए भी हम लोग कोलगेट का इस्तेमाल कर सकते हैं, इससे भी कांच का शाइनिंग, ग्लास का शाइनिंग बहुत ही अच्छा आता है फ्रेंड्स। थोड़ा पानी और पेस्ट डालने से देखिए कितना अच्छा शाइनिंग आया है, और थोड़े गीले कपड़े से उसे पोंछ लेना। काटने से अगर हाथ में स्मेल आता होगा तो तभी हम लोग कोलगेट से थोड़ा हाथ हम लोग का वॉश करके लेंगे पानी डालकर, तो वो प्याज का स्मेल चला जाएगा।